वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं बच्चों? इससे पहले मैं आपको हिंदी के दो चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, आपने वो पढ़े भी होंगे और उनका काम भी अच्छे से किया है और अब आपको उन्हें याद करके रखना है। आज बच्चों मैं आपको कुछ और नया सिखाने जा रही हूँ, जिसमें आप देखो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। आप देखो ये बच्चा दिख रहे हैं आपको, ये घर, स्कूटर, कुत्ता, चरखी, गेंद, बच्चा दिख रहा है, पतंग उड़ाता हुआ खेलता हुआ, ये बैट बॉल से खेलता हुआ ये बच्चा दिख रहा है। यहाँ पर आपको पक्षी दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, खेल का मैदान दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से बच्चों ये सब क्या है? ये एक नाम है। नाम आपको सब चीज़ों के पता चल गए, आपको अपना नाम भी मालूम होगा, आपके दोस्तों के नाम हैं, आपके पापा मम्मी अड़ोस पड़ोस सबके नाम होते हैं। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर कुछ और व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आदमी, औरत, लड़का, लड़की। फिर आप देखो बच्चों जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम। यहाँ पर आगे कुछ और नाम हैं जो कि सब्जियों के नाम, काम करने वालों के नाम, चीज़ों के नाम, जगह के नाम, दिनों के नाम। इस तरह से आपको अलग अलग सबके नाम दिखाई दे रहे हैं। इन नाम से ही आप उन्हें पहचानते हो, आप वो जाने जाते हैं कि ये कौन है और ये क्या है। इसी तरह से सबके अलग अलग नाम हैं। और अब आप यहाँ पर देखो जानवरों के नाम, जानवर आपने देखे ही हैं, हाथी, भालू, गाय, खरगोश, ऊंट, बिल्ली, चूहा। इसी तरह से पक्षियों के नाम देखो आप, कबूतर, तोता, मैना, मोर, कोयल, गिद्ध, ये सब क्या है? पक्षियों के नाम है जो आपको आसपास, कुछ पक्षी तो आपको आसपास दिखाई भी देते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों फलों के नाम। फलों के नाम आम, जो कि फलों का राजा है। फिर केला, सेब, अनार, अंगूर, संतरा, अनानास, नाशपाती। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फल हैं जो आपको दिखाई देते हैं, आपने खाए भी होंगे। आगे आप देखो बच्चों सब्जियों के नाम, आलू जो सब्जियों का राजा है। फिर गोभी, पालक, मटर, मूली, टमाटर, बैंगन, शलगम, ये सब क्या है? सब्जियों के नाम। फिर आप आगे चलते हैं बच्चों, देखो काम करने वालों के नाम। अब काम करने वालों के नाम में आप देखो डाकिया, जो कि डाक देता है उसी से वो पहचाना जाता है। मोची, डॉक्टर, किसान, दर्जी, माली, कुली, कुम्हार, इनके वैसे नाम नहीं है मालूम हमें, लेकिन हम इन्हें किससे पहचानते हैं? इनके काम से पहचानते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों चीज़ों के नाम, घड़ी, पेंसिल, चाकू, ताला, पंखा, मेज़, किताब, गिलास। यहाँ तो बच्चों कुछ ही चीज़ों के नाम है, आपने तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखी होंगी, अपने कमरे में देखी होंगी, अपने बैग में भी आप बहुत सारी चीज़ें रखते हो, देखते हो, तो ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम। आगे आप चलते हैं बच्चों, देखिए जगह के नाम। अब हम कितनी जगह देखते हैं, बाजार, स्कूल, अस्पताल, बगीचा, डाकघर, रसोई घर, मंदिर, गिरजाघर, ये तो बच्चों यहाँ पर कुछ ही जगह के नाम है, आपने तो इससे ज़्यादा जगह भी देखी होंगी। फिर हमने देखे यहाँ पर दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है? दिनों के नाम। तो अब ये देखो बच्चों ये सब हो गए नाम, लेकिन ये अलग अलग नाम है। इन सब का जब एक समूह बनता है, जैसे वस्तु, जगह, व्यक्ति, इन सब का जो समूह है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा क्या बन जाती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए पांच पांच फलों के नाम, सब्जियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, जगह और वस्तुओं के नाम आपको लिखने हैं। अगर बच्चों आप चित्र बना सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक या दो किसी का भी फल का, जो भी आपको अच्छे लगते हो, एक दो आप अगर चित्र बनाएंगे तो आपकी कॉपी भी सुंदर लगेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन चित्र आपको खुद को ही बनाने हैं।
इसी और इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है, आपको मात्राओं का ध्यान रखना है और अपनी लिखावट का, अपने लिखने की शैली जो है वो आपकी सुंदर होनी चाहिए, जो आपकी टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।